तो 1 और 11 में अब बात होगी किस तरह से बारिश ने कहर बरपा रखा है मुंबई में, दूसरी ओर किस तरह से देश के कई हिस्से अब भी प्रचंड गर्मी की मार से बेहाल है। कई लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जान की बाजी तक लगा रहे हैं। रफ्तार के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला स्टंट, जिंदगी और मौत का खेल, पलट झपकी तो गई जान। करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार से आती ट्रेन और स्टंट के लिए तैयार बच्चे। एक बच्चा पटरी पर खड़ा है और बाकी बच्चे किनारे ट्रेन में आने का इंतजार कर रहे हैं। और ये पहुंची ट्रेन और स्टंट शुरू। नीली शर्ट पहने ये बच्चा ट्रेन के करीब आने का इंतजार करता है। शर्त यह है कि ट्रेन को छूने के बाद छलांग लगानी है। यही वजह है कि ये बच्चा ट्रेन के करीब आने का इंतजार करता है। ट्रेन को लगा देंगे। जैसे ही ट्रेन करीब आती है ये छलांग लगा देता है। फिर एक एक कर बच्चे नहर में कूदना शुरू कर देते हैं। तस्वीरें लुधियाना की हैं, जहां गर्मी में ये बच्चे नहर में नहाने आते हैं। लेकिन इस जानलेवा स्टंट का खेल खेलते हैं। ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। कब से कर रहे हो ये? बहुत सालों से। ये खतरनाक काम करने में आपको डर नहीं लगता? नहीं, ट्रेन एकदम पास आ जाती है, सिर्फ 2 सेकंड का फासला रह जाता है ना, तो मैं डाई मार देता हूँ। इस स्टंट में कुछ युवक हैं तो कुछ छोटे बच्चे, जिन्हें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। घरों से खेलने के बहाने निकलते हैं और यहाँ जिंदगी दांव पर लगाते हैं। मस्ती के नाम पर मौत का खेल खेला जाता है। मुनीश अत्रे, लुधियाना, आज तक। मॉनसून का साइड इफेक्ट देश के कई हिस्सों में साफ तौर पर दिखने लगा है। एमपी के खरगोन में एक पुलिया पर पहाड़ी नदी की लहरों का कब्जा हो गया। ऐसे में लोग जान खतरे में डालकर उस पुलिया को पार करने लगे। वो 4 सेकंड और लहरों में बह गया बाइक सवार, वो भी सूखे पत्ते की तरह। ये गाड़ी गई। एक बार फिर देखिए उफनती लहरें कैसे बाइक सवार को अपने साथ बहा ले गई। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन की है। पुलिया पर गरजता उफनता पहाड़ी नदी का पानी। कदावली में बनी ये पुलिया इलाके के 30 से 40 गांवों को जोड़ती है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार कर रहे हैं। कोई लहरों को चीरते हुए बाइक से पुलिया पार कर रहा है, कोई पैदल तो कोई बैलगाड़ी से। ये शख्स भी बाइक से पुलिया पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान तेज धारा से संभल नहीं पाया और 4 सेकंड में ही लहरों में समा गया। लेकिन इस शख्स की किस्मत अच्छी थी, नीचे पानी कम था। पहले संभल कर खड़ा हुआ, तुरंत मदद के लिए दूसरे लोग भी पहुंच गए। मुश्किल से ये शख्स बाइक समेत उफनती पहाड़ी नदी की लहरों से बाहर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, ऐसी बहादुरी जानलेवा साबित हो सकती है। उमेश रेवलिया, खरगोन, आज तक। महाराष्ट्र में इस वक्त मीनाक्षी बारिश भारी तबाही लेकर आई है और रत्नागिरी की अगर बात करें तो वहां के डैम में लगातार बारिश से वहां का जलस्तर बढ़ गया है। और खतरनाक बात यह है कि इस बढ़ते जलस्तर की वजह से बांध टूट गया और 7 गांव इसमें बह गए। बारिश के आगे ये बांध बेबस हो गया।
अभी मॉनसून की पहली ही किश्त आई और इस बांध को अपने साथ बहा ले गई। गौर से देखिएगा, ये रत्नागिरी का तवरे बांध है जिसकी बारिश ने ऐसी हालत कर दी कि ये खुद भी टूटा और आसपास के इलाके में रहने वालों की जिंदगी भी तोड़ गई। महाराष्ट्र के इस हिस्से में लगातार हो रही बारिश का ये असर हुआ कि तवरे डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया। कायदे से प्रशासन को तभी अलर्ट होना चाहिए, लेकिन प्रशासन सोया रहा। लगातार बढ़ते जलस्तर के आगे इस बांध की हिम्मत जवाब दे गई। मंगलवार की रात डैम में दरार की वजह से सैलाब आया और दायरे में आने वाले 7 गांवों को जलमग्न कर गया। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बांध टूटने की खबर के बाद प्रशासन में जबरदस्त खलबली है। एनडीआरएफ समेत तमाम राहत एजेंसियां एक्शन में आ गई हैं। लेकिन सवाल है कि जब जलस्तर बढ़ रहा था तभी प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ? स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध टूटने से मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। मौत में होने वाली हर बढ़ोतरी प्रशासन पर उठते सवाल को और गहरा करेगी। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के शहरों में भी घंटे डेढ़ घंटे की बारिश में 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया। बच्चों को घुटने भर पानी से होकर स्कूल तक जाना पड़ रहा है। वहीं लखनऊ में बारिश के साथ तेज हवाओं ने लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत तो दी, लेकिन हवा की बेहिसाब रफ्तार ने लोगों की सांसें कुछ देर के लिए रोक दी। कुछ ही देर की बारिश में ही पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर पानी का कब्जा है। बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें चित्रकूट की हैं। रास्तों पर 1 से 1.5 फीट पानी जमा है। इस पानी से होकर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वे भी पीठ पर भारी भरकम स्कूल बैग लिए। सब भगवान भरोसे है। जरा सोचिए, अगर कहीं गलती से कोई मैनहोल खुला छूट गया हो तो क्या होगा? सिर्फ खुले मैनहोल ही नहीं, कई तरह के खतरे पानी भरे इन रास्तों से गुजरने पर हो सकते हैं। सड़कों पर जमा पानी ने गाड़ियों की रफ्तार सुस्त कर दी है। प्रशासन की ओर से समय रहते पानी की निकासी का मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया, जिससे शहर के ज्यादातर इलाकों में पानी का कब्जा है। चित्रकूट जैसा ही हाल सूबे के दूसरे शहरों का भी है। लखनऊ में बारिश और तेज हवाओं से लोगों को प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन लखनऊ में हवाओं की रफ्तार का अंदाजा आप इन गिरे हुए भारी भरकम गमलों से लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का कटआउट भी जमीन पर आ गया। बुद्रुक गांव के भाई बहन लहरों की चपेट में आ गए। लोगों के मुताबिक 4 बच्चे इस पुल को पार कर रहे थे, तभी पानी का तेज बहाव आया, सभी 4 बच्चों को बहा ले गया। 2 लोगों को तो स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन भाई बहन का अब तक पता नहीं चल पाया है। बारिश का साइड इफेक्ट उत्तराखंड में भी अभी से दिखना शुरू हो गया है। उत्तराखंड के तोता घाटी में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। 6 किलोमीटर लंबे इस जाम में सैकड़ों गाड़ियों के साथ एम्बुलेंस भी फंस गई। जो जहां था वहीं खड़ा रहा, न आगे बढ़ पाने का रास्ता, न पीछे लौटने का कोई चांस। दरअसल मौसम के बदले मिजाज के साथ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड शुरू हो गया है। इस रास्ते पर भी पहाड़ का मलबा गिरा और रास्ता बंद हो गया। रास्ते से मलबे को हटाने के लिए घंटों जद्दोजहद करनी पड़ी। चित्रकूट से संतोष बंसल के साथ दिलीप राठौर, श्रीनगर, उत्तराखंड आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।